हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का अन अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसकी खासियत है आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस्ड लोग लेके आना जो कि गेट और ईएससी के टॉपर्स हैं। अभी हमारे साथ जो पर्सनालिटी बैठे हुए हैं वो एक इंजीनियरिंग सर्विस ऑफिसर हैं, मतलब भाई गजब, उनका इतना अच्छा रैंक है, इतने हम्बल बैकग्राउंड से हैं। मतलब आपको कई बार ऐसा लगता होगा ना यार कि कोचिंग के बिना आप कुछ सिक्योर नहीं कर पाओगे, कई लोगों का इनसिक्योरिटी रहती है। तो यहाँ पर ये एग्जांपल है, कोचिंग नहीं लिया इन्होंने, सेल्फ प्रैक्टिस से किया है और आज वो अपने पूरे सीक्रेट्स बताने वाले हैं। और ऐसे कई वीडियोस डले हुए हैं, ऐसे कई टैलेंटेड लोगों के वीडियोस हमारे चैनल पे डले हुए हैं, तो ज़रूर आप लोग देखिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और सर सबसे पहले आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू सर। मैं अभिषेक गुप्ता बिलोंग करता हूँ लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट से, उत्तर प्रदेश से, और बीटेक एन आई टी अगरतला से किया 2016 में, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में जॉब की ये 2 साल, और अभी यहाँ रेलवे में हूँ अभी करंटली। और सर रैंक वगैरह गेट ये सी में? हाँ, रैंक मेरी इंजीनियरिंग सर्विसेज में 30 रैंक थी इन 2019, और गेट 2019 में, गेट में 206 रैंक, और आंध्र प्रदेश में दिया था 2017 में, तो वहाँ पे 38 रैंक थी मेरी स्टेट में। तो सर हम लोग ना इसको एक एक करके फॉरवर्ड लेते जाएंगे, कुछ कुछ चीज़ें मैं जानना चाहूँगा, पर सबसे पहला सवाल ये है, यहाँ पर जितने भी सिविल इंजीनियरिंग वाले देख रहे होंगे कि भैया सिविल इंजीनियर्स नायर में या रेलवेज में करते क्या हैं, आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहता है सर, और आपको किस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, पहले देखते हैं कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहता है। जॉब प्रोफाइल मतलब एज एन सिविल इंजीनियर इन रेलवे, आपको ट्रैक मेंटेनेंस का काम रहता है, या फिर जो रेलवे स्टेशंस बनते हैं और रेलवे कॉलोनीज होती हैं, रेलवे क्वार्टर्स होते हैं, बंगले होते हैं, तो ये सब सिविल इंजीनियरिंग के अंडर में आता है। काफ़ी बहुत ही ब्रॉड मतलब वर्क है सिविल इंजीनियरिंग का रेलवे में। एक्चुअली 45% ऑफ द एसेट ऑफ रेलवे बिलोंग्स टू सिविल इंजीनियर्स ओनली, IRSC। तो टोटल मतलब काफ़ी मैनेजमेंट का काफ़ी ज़्यादा काम, मेंटेनेंस मैनेजमेंट ये। तो आप अपने रोल पे क्या करेंगे सर, आप प्रॉपर फील्ड में उतरेंगे कि लोगों से काम करवाएंगे, कैसा रहेगा आपका जॉब? जैसे आपको हल्की फुल्की अभी ट्रेनिंग मिली होगी तो क्या होगा आपके साथ? अभी जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हम लोगों को मतलब स्टार्टिंग में फील्ड में ही काम रहता है, तो काफी लोग अंडर में रहते हैं, मतलब एटलीस्ट 400-500 पीपल होते हैं अंडर में। तो हम लोग का बेसिकली ट्रैक मेंटेनेंस का काम रहता है स्टार्टिंग, कि ट्रैक में कोई फॉल्ट तो नहीं है, या ट्रेन डिरेलमेंट ना हो, इसके लिए हम क्या मेजर ले सकते हैं, या फिर हमारे स्टेशंस हैं उस पे मेंटेनेंस करना, या कोई नया स्टेशन बनना, या कहीं पे गेज कन्वर्जन हो रहा है, तो वो सब काम हम लोगों के अंडर में आता है, मतलब स्टार्टिंग में ये। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, मतलब प्रमोशन होता जाएगा, तो क्या होता कि फील्ड वर्क ना हो के फिर ऑफिशियल वर्क ज्यादा हो जाता है, जिसमें पॉलिसी मेकिंग। अभी एक्चुअली समझ लीजिए पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग हैं, एग्जीक्यूशन में, उसके बाद क्या होता है धीरे धीरे पॉलिसी मेकिंग में हम लोग चले जाते हैं, पॉलिसी मेकिंग में चले जाते हैं, क्योंकि फिर पहले आप ग्राउंड वर्क पूरा समझ लेंगे तब तक आगे की चीजों को समझ पाएंगे। सर जैसे आप एक ईएस हैं, है ना, तो अभी आप जैसे एंटर करेंगे इस फील्ड में, है ना, तो आप कौन से पोस्ट पे रहेंगे और कितने सालों में कैसा कैसा आपका प्रमोशन होता है बता सकते हैं क्या, किस डेजिग्नेशन में जाते हैं आप लोग? अभी जैसे हम लोगों की 1.5 ईयर्स ट्रेनिंग है, उसके बाद ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स हम लोग प्रोबेशन, सॉरी ये असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर रहते हैं, एडियन बोलते हैं, मतलब लोकल भाषा में एडन करके बोलते हैं, उसके मतलब 2.5 ईयर इन फील्ड, मतलब कम टोटल हो गया 1.5 ईयर ट्रेनिंग प्लस 2.5 ईयर, मतलब 4 साल के बाद हम लोग डिविजनल इंजीनियर बन जाते हैं, उसके 4 साल बाद फिर सीनियर डिविजनल इंजीनियर, दैट इज डिप्यूटी चीफ इंजीनियर, फिर चीफ इंजीनियर, उसके बाद और भी प्रमोशन होते रहते हैं। तो प्रमोशन काफी अच्छे रेलवे में है, तो इसीलिए लोग रेलवे फर्स्ट चॉइस ले लेते हैं, मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो भी जिनकी अच्छी रैंक होती है। ये तो है ही, और प्लस आपको लोगों को मैनेज करने मिलता है, मतलब मेन आपके पास एक
ह्यूमन पावर रहती है आपके पास। हाँ, एक्चुअली इंजीनियरिंग सर्विसेज में एक ही डिपार्टमेंट है रेलवे, जिसमें आपको एट स्टार्टिंग पोस्टिंग में ही आपको मतलब 400-500 लोग अंडर में रहेंगे काम करने के, मतलब तो इट इज मतलब काफी डिफिकल्ट वर्क होता है, मतलब टू मैनेज दोज पीपल एंड गेट द वर्क डन, काफी हाँ टफ हो हाँ जाता है वो। क्योंकि आप बाकी मटेरियल्स को तो कहीं भी मैनेज कर लेंगे, ह्यूमन मैनेजमेंट बड़ा जरूरी है कि किससे कैसे बात करना है। क्योंकि आप एकदम गरीब से गरीब लोगों से भी बात करेंगे, है ना, लेबर क्लास से, और आप हायर ऑफिशियल से भी बात बिल्कुल करेंगे, तो दोनों को आपको कैसे मैनेज करना है, वही चीज जो है वो आपको सेपरेट करेगी एक ऑफिसर की तरह। सर, और जैसे मतलब बातें छुपी हुई नहीं है, फिर भी मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसा पेरोल कैसा रहता है। जैसे कोई अगर सोचता है कि मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में आऊँगा और साथ साथ में मतलब यहाँ पर ईएस ऑफिसर बनूंगा, कैसा पेरोल, क्या ग्रेड दिया जाता है, और फिर प्रमोशन में कितनी कितनी क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी तो मतलब ये ग्रुप ए सर्विस का तो बेसिक पे तो 56,100 है, मतलब सभी जॉब में ही, बाकी डिपेंड करता है मतलब जैसे और ग्रुप ए सर्विस और या इंडियन रेलवेज में तो पर्क्स वगैरह वैरी करते हैं, वो दैट टू डिपेंड अपॉन द लोकेशन कहाँ आप पोस्टेड हो। जैसे तो अगर रफली बात करो तो पोस्टिंग के बाद 70,000 के अराउंड सैलरी आपको मिलेगी एट द स्टार्टिंग पोस्ट में, और उसके बाद धीरे धीरे ग्रेड पे बढ़ता जाता है तो सैलरी मतलब यू विल गेट अ हैंडसम सैलरी। इवन इन दी ट्रेनिंग आल्सो व्हेन आई वाज इन नायर आई वाज गेटिंग अराउंड 94,000 बिकॉज ऑफ 900 पर डे टीए वाज गिवन टू अस। क्योंकि अभी जैसे हम लोगों का हेडक्वार्टर पुणे है, तो जब जब हम लोग पुणे से बाहर जाएंगे तो 900 पर डे का वो एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, तो ये तो सैलरी मान लीजिए 70 के अराउंड आपको मिलेगी, तो उसके ऊपर अलाउंसेस रहते हैं कि जब भी आप अगर अपने हेडक्वार्टर से बाहर जाएंगे तो आपको कुछ मतलब 900 पर डे स्टार्टिंग में, फिर बाद में 1200 पर डे का ऐसे मिलते रहता है, तो सैलरी काफी अच्छी है। फिर रहने के लिए बंगलो वंगलो मिल जाता है इवन एट द स्टार्टिंग, मतलब और किसी मतलब इंजीनियरिंग की जॉब में नहीं है कि आप स्टार्टिंग में जाओ और बंगलो वगैरह मिल जाए, मतलब रेलवे में स्पेशली सिविल में मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों को बंगले वगैरह मिल जाते हैं स्टार्टिंग पोस्टिंग। ये यही तो है सर, यही तो ऑडियंस जानना चाहती है कि उनको मिलने क्या वाला है। क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन रहता है ना, लोगों को पता नहीं रहता, और वो कौन बताएगा एक्चुअल में जो वहाँ पर हैं। तो ये तो रही सर जो आपको मिलने वाला है, जो जो चीज़ें रहेंगी। आपका सिलेक्शन हो गया सर, आपको बुलाया गया कि आप यहाँ पर ट्रेनिंग करने आइए नायर में। तो वहाँ जी पर का एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब क्या क्या कराया जाता था आपको, कुछ बताइए अच्छे से आप। जैसे ही मान लिए मतलब कॉल लेटर आया फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो व्हेन माय ट्रेन वाज अप्रोचिंग वडोदरा इन नायर इट वाज लाइक द ड्रीम इज कमिंग ट्रू, सो वो फीलिंग काफी अच्छी थी। फिर मैं नायर में गया था बट अभी थिंग्स आर नॉट कंड्यूसिव इनफ, तो थोड़ा प्रिकॉशंस कोविड वगैरह की थी, तो उस क्लासेस वगैरह ऑनलाइन ही हुई थी मतलब, और 14 दिन तक तो क्वारंटीन में ही थे, हम लोग को निकलने नहीं देते थे। उसके बाद फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह खुल गए, बाकी थोड़ी कल्चरल एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई थी। अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन कोरोना की वजह से रिस्ट्रिक्शन थे तो इसलिए उतना ज्यादा नहीं हो पाया जैसा एज यूजल होता था पहले, लेकिन नहीं वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। नायर में फाउंडेशन प्रोग्राम में सारे ब्रांचेस के लोग होते हैं, नए नए लोग मिलते हैं, दोस्ती होती है, तो और मतलब इन जनरल फाउंडेशन प्रोग्राम में नायर में जैसे है ना कि सारी ब्रांचेस का पढ़ाते हैं, जैसे मैं सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे मैकेनिकल का भी बताया जाएगा, इलेक्ट्रिकल का भी बताया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बताया जाएगा, फिर इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस जो सिविल सर्विसेज से आते हैं ना, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, तो ट्रैफिक के भी बारे में बताया जाता है, फिर पर्सनल सर्विस के बारे में भी बताया जाता है, मतलब सारी ब्रांच जो भी डिपार्टमेंट है रेलवे में सबके बारे में ओवरव्यू दिया जाता है। क्योंकि मतलब ऐसा नहीं कि हम एकदम सेग्रीगेट होके काम करेंगे रेलवे में, हमको सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन बना के रखना होगा, इसीलिए ये फाउंडेशन कोर्स इसीलिए करवाया जाता है ताकि सारे डिपार्टमेंट को आप जान लो और फील्ड में जब आप जॉब करो एग्जीक्यूट करो काम को तो अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सको जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ये इसीलिए नायर वाज रियली नाइस एक्सपीरियंस। अच्छा था। और मतलब वही है, मतलब लीजर एक्टिविटीज में आप लोग, क्या सर दिन भर पढ़ाई करनी पड़ती थी क्या वहां पे। नहीं, पढ़ाई तो नहीं होती है, काफी कम है, क्लास कर लेते थे हम लोग, उसके बाद तो जैसे क्लास बंद हुई तो स्टार्टिंग में तो 14 दिन तक क्वारंटीन में थे तो नहीं निकलते थे, लेकिन क्वारंटीन पीरियड के बाद तो जैसे ही क्लास खत्म हुई हम लोग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चले जाते थे और एक्सरसाइज के लिए चले जाते थे, और रूम में भी ताश पत्ते वही सब प्लेइंग कार्ड्स वगैरह खेल रहे हैं, कोई चेस खेल रहा है, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी अच्छी है वहाँ पे, हर चीज अवेलेबल है। ये बात सही है सर।
मतलब वही है आपका ये वाला एक्सपीरियंस। अच्छा हाँ सर, अब वो नायर कंप्लीट हो गया, अभी आप कहाँ पर है और यहाँ पर आपको ऐसा क्या सिखाया जाता है जो नायर में नहीं सिखाया गया? एक्चुअली अब जैसे फाउंडेशन प्रोग्राम नायर में खत्म हो गया, उसके बाद क्या होता है कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के लोग वो अपने अपने हेडक्वार्टर मतलब अपने अपने सीटीआई में चले जाते हैं। तो अभी हम क्या हुआ कि हम लोग पुणे आ गए, सिविल इंजीनियरिंग का जो मतलब सीटीआई है, और मैकेनिकल वाले जमालपुर चले गए, इलेक्ट्रिकल वाले नासिक चले गए, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सिकंदराबाद चले गए। अब क्या है कि फाउंडेशन प्रोग्राम में कॉमन चीजें बताई जा रही थी सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में। अभी यहाँ अपने अपने सीटीआई में क्या है कि एक्सक्लूसिव अपनी ब्रांच का बताते हैं, मतलब टेक्निकल, मतलब ये बोल सकते हैं यहाँ पे काफी टेक्निकल चीजें पढ़ाई जाती हैं, वहां पे इन जनरल चीजें पढ़ाई गई थी, यहाँ पे टेक्निकल डीप में, जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग का काफी डीप में पढ़ाई जाती चीजें। ओके तो ओके ये ओके, तो मतलब अभी आपका पूरा ये चला गया, तो इसमें भी एकदम दिन भर पढ़ाई वगैरह होती है, और फील्ड वर्क कितना होता है सर, क्या क्या चीज़ें होती हैं? अभी तो जैसे ये फेज वन मेरी ट्रेनिंग का चल रहा है, तो अभी 2 महीने तो ये मतलब क्लासरूम क्लासेस चलेंगी, मतलब उसके बाद फील्ड ट्रेनिंग हो जाएगी। तो फील्ड ट्रेनिंग में मतलब पूरे इंडिया में लगभग जाना रहता है, जहाँ जहाँ भी कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं या जो भी इंपॉर्टेंट जगह है वहाँ जाना रहता है, तो ऑलमोस्ट पूरा इंडिया कवर हो जाता है, फील्ड ट्रेनिंग वहाँ होती है। और अभी ऐसे यहाँ भी ज्यादा पढ़ाई नहीं है, क्लास कर लेते हैं उसके बाद तो कुछ पढ़ाई नहीं है, फिर एग्जाम जब आता है 2-3 दिन पहले बस कर लेते हैं। अच्छा सर, एग्जाम वगैरह भी होता है, और मतलब कितना उसमें कितना ध्यान देना रहता है, फेल वगैरह हो गए तो क्या होगा? नहीं, कोई फेल वेल वैसा नहीं होता, बहुत लाइट रहता है, मतलब काफी लाइट है। मतलब लाइट है एक्चुअली वो, मतलब वो भी जानते हैं कि आप अगर यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करके हो, दे डोंट जज दी टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, बस वो इतना चेक करता है कि आपने क्लासेस में कुछ सुना है या नहीं सुना है। मतलब अच्छा रहता है ये पूरा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस वगैरह जो भी चीज़ें रहती हैं। अच्छा सर, आप हम लोग ना थोड़ा सा ना उस फेज में जाते हैं, अभी तो हम लोगों का ईएस का ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, मेरे को ये जानना है, मुझे ये जानना है कि आपका ये तमिलनाडु जाने का कहाँ से हो गया, तमिलनाडु में, कि सॉरी आंध्र सॉरी प्रदेश। हाँ, तो आंध्र प्रदेश जाने का कहाँ से हो गया, आप हैं यूपी से और यहाँ जाने का ये एग्जाम कब हुआ, कौन सा पेपर दे के आप वहाँ कहाँ पहुँच गए और क्या किया करते थे वहाँ पर? एक्चुअली 2016 में मैंने पास किया और मेरा प्लेसमेंट हो गया था आईबीएम में और गेमन इंडिया कंपनी में। तो पहले तो मैंने सोचा कि ज्वाइन ही कर लूं जाके, फिर दोस्तों ने बोला रहने दो अभी तैयारी कर लो कुछ, तो फिर मैंने तैयारी स्टार्ट की, लेकिन मतलब पढ़ाई तो फाइनल ईयर से ही कर रहा था। फिर क्या हुआ, 16 में ही एक्चुअली जिस साल पास आउट पास किया उसी उसी साल आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम आया था, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, तो मैंने वो फॉर्म भर दिया था। फिर एग्जाम दिया मैंने 16 में, प्रीलिम्स हुआ और 17 में मेंस हुआ, और तो क्लियर हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं 17 में ही फिर ज्वाइनिंग हुई, एग्जाम क्वालिफाई किया, रिजल्ट आया, उसके थोड़े दिनों में ही ज्वाइनिंग हो गई थी, तो मैंने वहां ज्वाइन कर लिया था आंध्र प्रदेश वाले एग्जाम, मतलब जो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट मैंने ज्वाइन कर लिया। अच्छा, तो सर थोड़ा सा ना इस एग्जाम के बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ना इससे क्या होता है ना कि थोड़ा थोड़ा सबको नॉलेज मिल जाता है, हम लोग इसको अलग एक पार्ट बना लेंगे कि आंध्र प्रदेश का ये जो एग्जाम रहता है उसको हम लोग कैसे क्वालिफाई, आपने कैसे तैयारी की सर इस एग्जाम के लिए, क्योंकि नॉर्मली कोई ऐसा कोई कोचिंग भी नहीं देता है इस एग्जाम का, तो आपने कैसे की नहीं, इस चीज की तैयारी? एक्चुअली मैंने एक्सक्लूसिव कोचिंग मतलब एक्सक्लूसिव पढ़ाई नहीं की इसकी, मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की बेसिकली पढ़ाई कर रहा था, लेकिन जो भी एग्जाम आ रहे थे वो भर दे रहा था। तो उसी समय आंध्र प्रदेश का ही पहले आया था, तो मैंने वो भर दिया था। तो बस जीएस मैंने 2-3 दिन पढ़ ली थी, क्योंकि एग्जाम जब भरा था और देना था, तो मैंने जीएस 2-3 दिन एक्सक्लूसिव पढ़ी थी बस आंध्र प्रदेश के लिए, वरना मैंने कोई भी स्पेशल अटेंशन नहीं दी थी एग्जाम के लिए। इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो पढ़ा था उसी के भरोसे एग्जाम दिया और क्लियर हो गया था मेरा। अच्छा, तो किस टाइप के एग्जाम आता है सर पैटर्न, जैसे गेट तो अपना पूरा न्यूमेरिकल वगैरह में रहता है, ये हाँ, एग्जाम्स कैसे रहते हैं, थियोरेटिकल रहते हैं किस टाइप के, और लेवल कैसा रहता है इस चीज़ का? एक्चुअली जब दिया था मैंने, तो एक तो प्रीलिम्स पेपर था वो उनकी लोकल जीएस और करंट अफेयर्स पूरे इंडिया के, और इंटरनेशनल वो पूरा था। और फिर जो टेक्निकल पेपर थे उसमें क्या था कि मतलब ऐसा समझ लीजिए 50% न्यूमेरिकल थे, 50% थियोरिटिकल पोर्शन था, तो लेकिन वो ये क्वेश्चन गेट लेवल के ही थे उसमें, बेसिकली मतलब न्यूमेरिकल ज्यादा सॉल्व करना था क्या एग्जाम? न्यूमेरिकल। हाँ, 50% न्यूमेरिकल थे, वो काफी अच्छे लेवल के थे, मतलब गेट लेवल के, जैसे गेट में पूछते हैं वैसे ही थे वहां पे। अच्छा, तो मतलब ये गेट और ईएससी की तैयारी अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये सारे पेपर्स भी हमको बन जाएंगे? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, मतलब बहुत लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि मतलब गेट की तैयारी कर रहे हैं और इंजीनियरिंग सर्विस तैयारी कर रहे हैं तो और कोई एग्जाम नहीं लिख सकते, एक्सक्लूसिव पढ़ाई करनी पड़े, ऐसा नहीं है। अगर गेट इंजीनियरिंग सर्विस तैयारी कर रहे हैं तो आप हाँ थोड़ा अटेंशन दे सकते हैं 4-5 दिन पहले, जैसे जीएस मान लो किसी स्टेट की पढ़नी है तो 4-5 दिन पढ़ के चले जाओ तो हो जाता है,
और बाकी अपना टेक्निकल में अगर अच्छा है तो कर ही लोगे। अच्छा मेरा एक्चुअली इसमें मेरा एक लखनऊ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का भी आया था, उसमें भी हो गया था। उसमें सिर्फ 3 सीटें थी लेकिन फिर मैं इंटरव्यू देने नहीं गया था। फिर अरे गुजरात वाले में भी मेरा हो गया था। अब बस तैयारी में इंडियन सर्विसेज की कर रहा था, मेरा एग्जाम गुजरात में भी हो गया था, फिर इंटरव्यू देने नहीं गया वहाँ। अच्छा, क्योंकि आंध्र प्रदेश का रिजल्ट आ गया था तो मैं इंटरव्यू देने नहीं गया। मतलब जिस एग्जाम में हाथ डालते थे वो सब निकल गए हैं, ऐसी वाली बात है। हाँ लगभग मतलब तैयारी तो इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट की कर रहा था, लेकिन लगभग जो भी एग्जाम दे रहा था तो हो जा रहा था, हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। और फॉर्चुनेटली यूपी का कुछ भी उस टाइम पे नहीं आया था जहां से मैं बिलोंग करता हूँ। यूपी का तब आया जब मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था यहाँ। नहीं तो आप कहाँ रहते? पता नहीं यूपी में रहता फिर, मतलब पता नहीं तैयारी हो भी पाती इंजीनियरिंग सर्विसेज की नहीं हो पाती। आंध्रा में था और मतलब थोड़ी लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी और डिफरेंट स्टेट में था, तो दैट वाज एक्चुअली ड्राइविंग फोर्स था कि तुम पढ़ो बेटा अभी इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए पढ़ो, तो वो था। ये बहुत सही है सर। तो ना हम लोगों को ना अभी बहुत सारे डाउट क्लियर हुए सर कि ना आप गेट और ईएससी की तैयारी करते हो तो आप बाकी एग्जाम्स को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर कोई एक स्पेसिफिक आपका स्टेट का कोई जीएस आए तो थोड़े दिन पहले आप तैयारी कर लीजिए। हाँ आपने एक बात कही सर यहाँ पे कि ना हम लोग साइमल्टेनियसली बाकी एग्जाम्स भी दिला सकते हैं। आपका क्या कहना है सर कि अगर हम लोग बैंक का भी दिलाएं क्योंकि उसमें भी तो एफटी आती है, और अगर कैट वगैरह भी दिलाएं क्योंकि उसमें एफटी आती है। मैं अपने उसमें नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट ऐसा करते हैं, है ना, वो ये सोचते हैं कि एफटी तो मैंने यहाँ भी पढ़ी है वहाँ भी पढ़ी है, तो क्या हम लोग गेट ईएससी की तैयारी करते करते बैंक वगैरह भी निकाल सकते हैं? बैंक वगैरह का तो मुझे उतना आइडिया नहीं, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा मतलब उसमें क्या प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए होती है एप्टीट्यूड और रीजनिंग वगैरह की, तो वो मेरे ख्याल से शायद नहीं हो पाएगा उतने टाइम में। उसमें थोड़ा पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, अगर कोई पढ़ना भी चाह रहा है तो मुझे लगता है थोड़ा 1-1.5 महीना पहले करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस के काफी कम समय में काफी ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं उसमें। शायद आप समझ रहे होंगे सर मैं क्यों ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कोई जब एक ऐसा पढ़ाई करने के लिए जाता है ना तो दे आर लाइक कि अरे यार इसका फॉर्म निकला है, अरे यार इसका हाँ फॉर्म हाँ निकला वो है। होता है, मैंने भी एक्चुअली बहुत सारे भर दिए थे फॉर्म। हाँ, और उसके लिए फिर बीच बीच में निकल के जाना अलग पड़ता है, तो वो चीजें हाँ भी डिस्टर्ब होते जाती है ना कि आप तैयारी करो उसके बीच में कहीं और जाना पड़ जाए तो। हाँ लेकिन एक चीज तो है, अगर जैसे मान लो कोई कहीं पे रह रहा है अगर सेंटर पास में, तो एग्जाम लिखने में कोई बुराई नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए एकदम रिजिड कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज का है तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का ही देना, बाकी कोई नहीं देना। अगर आप दूसरा भी एग्जाम दे रहे तो मतलब आप कुछ सीख लोगे वहां से, हो सकता है कुछ अच्छा सीख लो, जो मतलब एग्जाम दोगे तो कुछ सीखोगे डेफिनेटली, तो वो ऐसा रिजिड नहीं होना चाहिए। मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज लिखना तो इंजीनियरिंग सर्विसेज ही लिखना है, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर पास में सेंटर है थोड़ी दूर कर सकते हो एफर्ट तो दे देना चाहिए। दे देना चाहिए सर। तो जैसे आप हो, आप वहां पर के रिटर्न के लिए कैसे तैयारी किए थे? ठीक है, जो लोग तो चलिए प्री आजकल हो जाता है लोगों से क्योंकि ऑब्जेक्टिव रहता है, फिर आपका जो मेंस का पेपर है तो उसके लिए कैसे तैयारी की थी और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे वहां पर? ये इसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज में, हाँ, नहीं, अभी इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा आंध्र प्रदेश वाले की, एक्चुअली उसमें प्री और मेंस दोनों ही ऑब्जेक्टिव पेपर थे। हाँ अच्छा, वहां पे प्रीलिम्स भी ऑब्जेक्टिव था, मेंस भी ऑब्जेक्टिव पेपर था, तो कुछ इशू नहीं आया था। कुछ इशू नहीं आया था। मेरे को लगा कि मेंस हाँ में कुछ अलग हो जाता है क्या, ऐसा नहीं, डिफिकल्टी लेवल चेंज होती है क्या, चेंज होता है कि प्री और मेंस हाँ में हो गया? डिफिकल्टी एक्चुअली प्रीलिम्स में काफी आसान था, फिर मेंस में गेट लेवल के क्वेश्चन पूछे थे तो पेपर थोड़ा अच्छा था। वहाँ पर पेपर अच्छा हो गया था। हाँ सर अच्छा तो था। हाँ अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि आप जॉब करते करते कैसे आपने ईएस की भी तैयारी कर ली नहीं ये? मैंने एक्चुअली 17 में ज्वाइन किया था, फिर मतलब 17 भी मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स 17 दिया था, प्रीलिम्स में मेरा डिसेंट स्कोर भी था, क्वालिफाई भी किया था, लेकिन मेंस एग्जाम से पहले कुछ मेडिकल इशू थे तो मैंने मेंस का पेपर एक छोड़ दिया था 17 में। फिर मैं आंध्र प्रदेश जब चला गया तो 18 में भी एग्जाम दिया फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज का अलॉन्ग विद जॉब, तो कुछ 12 नंबर से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उसके बाद क्या हुआ कि प्रीलिम्स दे दिया मैंने जॉब के साथ 19 का, 2019 का, फिर प्रीलिम्स में मेरा काफी अच्छा स्कोर था, तो मैंने क्या हुआ कि अपने जो डिपार्टमेंट था वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट आंध्र प्रदेश में, वहां पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव मैंने अप्लाई कर दी थी, ईओएल बोलते हैं उसको, लीव विदाउट पे। तो मेंस के टाइम में मैं भाग आया था, मतलब आंध्र प्रदेश में जॉब मतलब वहां पे छुट्टी ले ली थी और मेंस की तैयारी कर ली थी, और फाइनली मेंस एग्जाम देने के बाद फिर रीज्वाइन कर लिया था उसे। ओके ओके ओके, तो
मतलब आप तैयारी करते हुए, तो सर जैसे आपने प्री निकाला, तो प्री के लिए भी आप पहले तैयारी कर रहे थे कि वो पुराने पुण्य थे जिसके वजह से आपका प्री निकल गया आईटी हाँ, में? पहली तैयारी तो मतलब काफी हो चुकी थी और बस उसको बार बार प्रैक्टिस कर रहे थे, तो क्योंकि बहुत ही पैटर्न चेंज हुआ था। 17 में काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे थे, 18 में बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछ लिए, फिर 19 में पेपर का लेवल एकदम अलग ही लेवल का पेपर आया था, सारे न्यूमेरिकल पूछे थे बहुत सारे, तो मेरी प्रैक्टिस एक्चुअली मैंने कर ली थी। रूप में मुझे आइडिया था कि पेपर इस बार हो सकता है 18 जैसे ही आ जाए, तो मैं न्यूमेरिकल की काफी अच्छी प्रैक्टिस थी, तो इसलिए मेरा प्रीलिम्स में काफी अच्छा स्कोर आ गया था 19 में। तो मुझे लग गया था कि अब स्कोर अच्छा है, तो फिर मेंस के लिए मैं इसीलिए वहां से छुट्टी अप्लाई की और मतलब मेंस की तैयारी करने लगा था। सर सर आप तो शायद उस टाइम के ना जिस समय सिलेबस चेंज हुआ था ईएस का, आपने वो चीज देखी कि हाँ, आप चेंज सेवनटीन में, सिलेबस वाले? सेवनटीन में, हाँ हाँ, सेवनटीन हाँ में चेंज हाँ हुआ था। हाँ फिर आप हाँ कैसे सेवनटीन कोप में अप किए, चेंज। क्योंकि आप उस समय भी तैयारी कर रहे थे, फिर वो अचानक से चेंज आ गया, पूरा सिलेबस चेंज हाँ, हुआ? तो एक्चुअली 16 में मैंने क्या था कि जीएस नहीं पढ़ी थी और 17 में जीएस ही चेंज हुई थी, तो कुछ बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा था। ये अच्छा टेक्निकल अच्छा अच्छा तो सारे लगभग लगभग सेम रहे थे, कुछ भी चेंज, कुछ नया सब्जेक्ट ऐड किए गए थे तो वो बाद में पढ़ लिए थे। वो आपने बाद में पढ़ लिए थे? हाँ मैं वही सोचूं। तो सर जीएस की तैयारी आपने कैसे की, क्योंकि आपने तो कहीं से कोचिंग वगैरह की नहीं है, तो आप कैसे इस चीज को कर पाए थे? मैंने एक्चुअली जीएस में इनरोल किया था कोचिंग में, और फिर क्या हुआ कि तब तक मेरी आंध्र प्रदेश में ज्वाइनिंग आ गई, तो मैंने वो फिर कोचिंग भी क्लासेस पूरी नहीं कर पाया, वहां ज्वाइन कर लिया जाकर। फिर मैंने कुछ बुक्स खरीद ली थी जो कि मार्केट में इजिली अवेलेबल है, तो बुक्स ले लिए, हैंड रिटन नोट्स ले लिए जीएस के, उसी से पढ़ लिया था, तो जीएस क्लियर हो गया था। ये सर ना ये मेरे को ना बहुत अचंभा लगता है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, क्योंकि ना अभी इनसे पहले भी एक इंटरव्यू था ज्योति, अंकुर ज्योति दास का, तो उन्होंने भी एक चीज़ को कहा था कि सर मैं नोट्स लेके ही अपने से पढ़ के ही निकाल लिया। तो मतलब ऐसा है कि ना आपके पास अगर नोट्स भी रहे, अगर आप एक्चुअल में करना चाहो चीज़ों को, तो आप उस चीज़ को अच्छे से कर सकते हो। देर इज नो हाँ बिल्कुल, बहाना, है ना, कि बहाना नहीं मारना है हाँ कि नहीं बिल्कुल, हो पाएगा या कोचिंग चाहिए ही, है कि नहीं सर? एक जैसे मैं बात ऐड करना चाहता हूँ, अगर जैसे किसी को कोई गाइडेंस मिल रहा है इजिली, या कोई अगर अफोर्ड कर सकता है तो उसे ले लेना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा टाइम कम कर देता है, बर्डन कम कर देता है। अगर जैसे जो अफोर्ड नहीं कर सकता, या मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है, लोकेशन की प्रॉब्लम है, या आप जॉब कर रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं कोचिंग, तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं, वो है, सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो और बेटर आप है। मतलब एक्सेसिबल है वो, तो आप बेटर है कि आप ले लो, क्योंकि तो वो जैसे जो आपका सिलेक्शन थोड़ा हो सकता है 2 साल में, तो वो आपका 1 साल में हो जाए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो डेफिनेटली आपको काफी चीजें जल्दी समझ आ जाती है, जो आप सेल्फ स्टडी से थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, और वहाँ क्लासेस में क्या था कि अच्छे से समझा देते हैं तो जल्दी हो जाता जल्दी हो जाता है ना, ये बहुत सही है। चीज़ है आपको हार्ड सर। एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको क्लासेस कोचिंग क्लासेस लेनी है या नहीं लेनी है, वो है। बस ये है कि आपके जर्नी को स्मूथ कर सकता है, पर मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, हाँ, बात ये मेहनत है। आपको करनी पड़ेगी डेफिनेटली, क्योंकि क्लासेस, कोचिंग क्लासेस में भी लाखों बच्चे करते हैं, और कितने निकल पाते हैं, बहुत ही मतलब कम लोगों का ही हो पाता है, तो ऐसा नहीं कोचिंग वाले सारे निकल ही जाते हैं, मतलब मेहनत तो आपने करनी है। तो सर आपने ना एक अच्छा एक पॉइंट छेड़ा, बहुत कम परसेंटेज के लोग इस पॉइंट पे आते हैं, पर मैं जानबूझ के इस चीज़ को कवर करने की कोशिश करूँगा। आप तैयारी करते रहते हो, सडनली आपकी तबीयत खराब हो जाती है ना, तो उस चीज़ को कैसे मेडिकल कंडीशन से कैसे बाहर आया जाए, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि आपकी तबीयत वगैरह खराब ना हो, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका ऐसा आपने फेस किया है इसके बारे में। एक्चुअली 17 में क्या हुआ था कि थोड़ा प्रेशर था घर से भी कि कहीं जॉब कर लो, फिर कॉलेज से जहाँ से प्लेसमेंट हुआ था वो मैंने ज्वाइन नहीं किया, तो थोड़ा प्रेशर तो आ गया था। तो मैं क्या कर रहा था कि मतलब प्रॉपर नींद नहीं ले रहा था, मतलब दिन में 4 घंटे, मतलब 24 घंटे में 4-5 घंटे सोता था, वो कंटिन्यू होता रहा, तो उससे क्या हो कि मुझे क्रोनिक हेडेक होने लगी थी काफी ज्यादा, तो उसके बाद फिर बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो गए, तो मैंने फिर मेंस एग्जाम भी एक ही पेपर लिख पाया और दूसरा पेपर भी नहीं लिख पाया था, तो 17 अटेम्प्ट ऐसे ही चला गया मेरा, बल्कि प्रीलिम्स में डिसेंट स्कोर था मेरा काफी। तो मैं तो यही बोलूंगा कि अगर जैसे ज्यादा प्रेशर तो वैसे हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप नींद सही से नहीं ले रहे हो, खाना सही से नहीं ले रहे हो, क्योंकि वो फिर उसका आपको भुगतना पड़ जाता है, कि अगर आप जिस एग्जाम के लिए कर रहे हो फिर वो एग्जाम ही ना दे पाओ तो क्या फायदा है, तो इसलिए पहले तो हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैंने वो फेस किया, 17 अटेम्प्ट ऐसे ही चला गया मेरा, अच्छी तैयारी होने के बावजूद चला गया, बहुत तो पहले बढ़िया हेल्थ है अपना,
खाना पीना और सोना अच्छे से जरूरी है। मतलब ये बहुत, मतलब आप बहुत हार्ड वे में सीखे ये चीज को, पर हाँ ये सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बहुत स्टूडेंट्स हैं जरूरी। सर। मैं, अच्छा हुआ ये क्वेश्चन मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, क्योंकि कई स्टूडेंट्स हैं ना, दे थिंक लाइक कि अरे क्या ही होगा करके, है ना, क्या ही होगा करके, अब बाद में सो लेंगे या बाद में कर लेंगे या बाद में खा लेंगे, है ना, तो उसके वजह से उनका हेल्थ डिटोरिएट होता रहता है और मेन एग्जाम के टाइम पे डिटोरिएट प्रॉब्लम आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अच्छा हुआ आपने इस चीज़ को डिस्कस कर लिया, क्योंकि ऐसा सही में हो रहा है सर कई लोगों का, क्योंकि वक्त के साथ जैसे आप देखते जा रहे हैं ना क्या हो रहा है कि प्रेशर बढ़ाते पड़ते जा रहा है, धीरे धीरे पोस्ट भी कम होते जा रहा है ना, तो पीपल आर लाइक कि यार अब क्या ही करेंगे, जॉब ही नहीं है, निकाल रहे हैं, तो ये प्रेशर बढ़ने की वजह से ना कई लोगों का ना ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। और कई बार तो ऐसा हो जाता है ना सर कि चलिए कई लोगों को सपोर्ट मिल जाता है घर से, है ना, कई लोगों को नहीं मिलता है, तब तो और चीजें वर्स हो जाती नहीं हैं, वर्स हो जाती है। ये इसीलिए मैं इस चीज को पूछ लिया सर आपसे कि क्या क्या हम लोगों को ध्यान देना चाहिए मेडिकल कंडीशंस के ऊपर, कैसे हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। सर ये सब तो बहुत अच्छा रहा हम लोगों का, मतलब हम लोगों को ये पता चला कि जो आंध्र प्रदेश वाला एग्जाम है उसको कैसे निकाल दिया जाए, नायर कैसे होता है। आप अपने प्रिपरेशन के टाइम को बताइए सर, मतलब ऐसा आपने क्या किया कि इंजीनियरिंग सर्विसेज आपका निकल गया, वो भी वो 500-500 लोगों के बीच में क्लास में बैठे हुए बिना, है ना, वहां पर आप बैठे भी नहीं, आपका पेपर भी निकल गया, तो ऐसा आपने क्या स्ट्रैटेजी लगाया था जो बाकी नहीं जानते हैं? देखिए मैंने मतलब क्या हुआ कि एक तो हैंड रिटन नोट्स ले लिए थे और पोस्टल कोर्स कोचिंग्स कुछ कुछ कोचिंग्स देती हैं तो उनका मैंने पोस्टल कोर्स ले लिया था और प्रीवियस पेपर जो होते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के उनको सॉल्व करता था। तो इसमें क्या कि मोर और लेस थोड़ा रिपीटेटिव पैटर्न रहता है। मतलब जीएस पार्ट अगर हम ना देखें टेक्निकल पार्ट में रिपीटेटिव पैटर्न रहता। तो क्या है कि प्रैक्टिस जितनी कर पाऊँ, मेरा ऐसा कोई शेड्यूल नहीं था कि नहीं मुझे 10 से 5 पढ़ना या ऐसा कुछ नहीं था। मतलब अच्छा जितना टाइम मिला उतना पढ़ते रहते थे और अपना खाना पीना वही था, जो जो भी टाइम मिला पढ़ते रहते थे। उसमें कभी जैसा नहीं अच्छा लगा तो कुछ कॉमेडी वीडियोस देख लिए या कुछ कर लिया, तो वो था, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। मैंने भी क्या हुआ कि बहुत बार चिपकाया कि मतलब हाँ दीवार पे कि मुझे इस टाइम टेबल को फॉलो करना, लेकिन वो कभी हाँ प्रैक्टिकली हुआ नहीं। तो हाँ मेरा ऐसा कोई शेड्यूल नहीं था, लेकिन हाँ जो टाइम मिलता था उसमें पढ़ता ही था। और थोड़ी बात बात मतलब जैसे कभी बोर हो गया तो किसी दोस्त को कॉल कर लिया, या कोई अगर दोस्त है साथ में तो उसके साथ थोड़ी बात बात कर ली। तो वो है मतलब मोर प्रैक्टिस जितना करो, मैंने प्रैक्टिस बहुत कर ली थी। तो मतलब क्वेश्चन एक प्रकार से था कि क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता कि हाँ इसको ऐसे ऐसे करना है। प्रैक्टिस काफी ज्यादा हो गई थी। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते 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 आप, हाँ मतलब वही कहेंगे कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही ज़्यादा आप बेटरमेंट की तरफ बढ़ते जाओगे। पर सर एग्जैक्टली जैसे डाउट वगैरह आता था तो वो सारी चीज़ों को आप कहाँ से सॉल्व करते थे? हाँ डाउट जैसे अभी क्या यूट्यूब पे काफी वीडियोस आ गए हैं, तो मैंने क्या जैसे मान लो मुझे कोई एक टॉपिक का डाउट आया तो मैंने वो टॉपिक डाल दिया, तो उससे रिलेटेड 10 मिनट का वीडियो मिल गया मुझे, तो मैंने वो देख लिया, वहां से क्लियर हो गया कि मैं पूरा सब्जेक्ट पढ़ूं, इससे बेटर है कि मैं वो टॉपिक पढ़ूं जो मुझे नहीं आ रहा है, तो मेरा टाइम ही बच जाएगा। तो जैसे मुझे कोई टॉपिक नहीं आता तो मैं यूट्यूब पे डाल देता कि ये टॉपिक है, तो 10-12 मिनट का वीडियो आता था तो मुझे समझ आ जाती थी चीजें। और या जैसे नहीं सम या तब भी अगर नहीं समझ आया तो जैसे एक दो दोस्त मेरे कोचिंग क्लासेस ले रहे थे तो मैं उनसे पूछ लेता था, उनके रूम पे जाके या कभी फोन करके पूछ लेता था कि यार ये कैसे होगा, तो वो बता देते थे। ये मतलब जब प्रॉब्लम आए तो पूछ लो और आपको उस चीज़ में फिर हेल्प भी मिल जाती है। मतलब एक्चुअल में ना इतना अभी कंटेंट डला हुआ है ना सर एक्चुअल में नेट में कि आपको हर चीज़ के लिए मदद है। अनअकैडमी पे इतने वीडियोस डलते रहते हैं, मतलब मैं आपको बताऊं कम से कम इंजीनियरिंग की उसमें हम लोगों के कम से कम 200 टीचर्स हैं, 200 टीचर्स हर महीने कम से कम 1,000 से ऊपर वीडियोस डालते होंगे, हर महीने हाँ डालते होंगे, तो आप समझ लीजिए कि हाँ कितना तो वही कंटेंट मैं अवेलेबल है। वही हाँ वही बोलना कि अगर जैसे कोई टॉपिक है, टॉपिक नहीं समझ आया तो आप पूरा सब्जेक्ट जैसे खुद से पढ़ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि पूरा सब्जेक्ट के लिए आपको मतलब 10-12 घंटे के वीडियोस देखने पड़ेंगे, वो जरूरत नहीं है। अगर आप पूरा सब्जेक्ट खुद से पढ़ रहे हैं, बीच में कुछ टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, तो उस टॉपिक को डालिए, 12-15 मिनट की वीडियो रहते हैं,
उसको देख के आपको जल्दी समझ आया जाएगा, तो मतलब वो काम आपका थोड़ा आसान हो जाएगा। कोचिंग क्लासेस में भी अगर जैसे आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली, तो कोचिंग क्लासेस में क्या होता है कि आपका 50% टाइम ऐसा होता है कि आपको वो चीजें रिपीट कर रहे होते हैं, जो आपको पहले से आती है वो भी पढ़ाते हैं, तो वो एक थोड़ा लॉस भी हो जाता है अगर जो बंदा पहले से तैयारी कर चुका है ठीक ठाक, पहले से कर मतलब अपने चुका कॉलेज लेवल पे।